देखिए ये है हमारी राजधानी दिल्ली। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है मैगी के जो जिसमें मैगी रखी जाती है उसके एक कवर बना रही हैं, और बहुत ही इसमें मेहनत है काफ़ी। और इनको 100 पीस बनाने के सील के बनाते हैं, देखिए धागा है उससे सील रही हैं, और सील के बना करके इनको 100 पीस बनाने के खाली 40 रुपये दिए जाते हैं। अब इनका कहना है कि 40 की जगह वो 35 करने वाले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। दिल्ली के कहते हैं ये पहचान पत्र भी हैं इनके पास, सारे प्रूफ्स हैं इनको कहें क्या कहते हैं। हाँ अंकल, आप कब से कर रहे हैं काम? ये सब 2-2.5 साल हो गए इसे करते हुए। पहले हम लोग कबाड़े के काम करते थे, कबाड़े का काम भी हमारा बंद हो गया, अब आमदनी के कोई जरिया नहीं है। अब ये इतने सारे बड़ा काम कर रहे हैं और हम लोगों का भी कोई पेंशन वेंशन लागू नहीं हुआ है। दिल्ली का पहचान पत्र सब सारे सब कुछ है, आपके पास प्रूफ है, फिर भी आपको बुढ़ापे की जो पेंशन होती है वो नहीं? 60 साल से ऊपर है। मैं तो 80 साल का हूँ, 60 साल की 60 साल की है वो माता जी। अच्छा ये जो आप पीस बना रहे हैं, कितने पीस बनाने पड़ते हैं आपको? ये पूरा कितनी माल हो आपको, कितने पीस बनाने पर कितना पैसा मिलता है? 100 पीस बनाने पर हमें 40 रुपये मिलते हैं। अच्छा, अभी हमने पूछा इनसे कि 100 पीस बनाते हैं तब इनको 40 रुपये मिलते हैं, और कभी कभी ये पीस बनाते भी नहीं होंगे इतने, तो मुझे तो नहीं लगता कि पूरा बना पाते होंगे एक दिन। हाँ पूरा नहीं बन पाता है। तो फिर आप लोग खर्चा कैसे चलता होगा इनका, इस बुढ़ापे में ये हालात है इनकी? शर्म आती है मुझे कि हमारे देश में इस तरीके से, और वो भी राजधानी दिल्ली में ऐसे हालात हैं लोगों की। तो मैं आपको दिखा दूँ इनकी साथ महिला भी है। देखिए ये महिला है, आप मुझे बताएंगी, आपको अभी आप बता रहे थे कि 40 रुपये मिलते हैं आपको, अभी आप कह रहे थे कि 40 की जगह 35 मिलेगा। हाँ जी, क्यों 35 क्यों कर दिया उसको? वो रेट कम हो जाता है, रेट बढ़ना चाहिए तो ये कम क्यों हो रहा है? कम होता है, यही लड़की का टमाटर हुआ था उसको भी ये पुलिस वाला कोई इनको ये नहीं करा, 2 साल हो गए। अच्छा आपकी लड़की कम? लड़की भी ये पढ़ने वाली। अच्छा कहाँ रहती थी? अड्रेस ये रहा थी, देख लो ये सबको एक ही परिवार है हम लोग, ये मेरा है, ये बाबा का है। आप बाबा की वाइफ? नहीं बहू है। आप उनकी बहू हो? ये मेरा आदमी। और आप कितने साल की? मैं 61 साल। 61 साल की, आपको पेंशन नहीं मिल रही, आपके पास सारे आधार कार्ड पहचान पत्र दिल्ली का है। देखिए ये बना रहे हैं, मुझे दिखाएंगे कैसा है? देखिए ये मैगी इसमें रखा जाता है, पूरा खोल के दिखाना हम। तो देखिए ऐसे ही ये मैगी इसमें रखा जाता है, और इसके ऊपर ये जो लगाया गया है इन्होंने सीला है इसको, और ये एक पीस है। अगर ये 100 पीस बनाते तो इनको 40 रुपये मिलते हैं, मात्र 40 रुपये। दिन भर में ये 100 पीस नहीं बना पाते क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, किसी किसी दिन तो वो भी नहीं होता होगा। ये कैसे है राजधानी के अंदर हमारे हालात? एक तरफ सरकार कहती है हम बुजुर्गों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम रोजगार इनके हालात लगता है इनको अब रोजगार, मतलब इनको काम करना चाहिए, इनकी आराम की उम्र है। और बाकी टाइम में आप लोग क्या करते हैं? कबाड़ी करते हैं, अभी कबाड़ी का काम भी करते हैं। कह रही हैं कि बाकी टाइम जो मिलता है कबाड़ी का काम करती हैं, कबाड़ी का काम भी जो है वो बंद होता जा रहा है, इससे इनको कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपका गुजारा तो नहीं हो पाता है? बिल्कुल नहीं, बहुत परेशान है। तो कहाँ रहते हैं? नॉर्थ ईस्ट में ये सीमापुरी पड़ता है, वहाँ पे ये रहती हैं, और वहाँ के विधायक हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। तो आपने कहीं वहाँ पे आप लोग ने फॉर्म वगैरह भरने की कोशिश की कि हमें आधार कार्ड पहचान पत्र की मुझे पेंशन मिले, ऐसा कुछ कहीं? नहीं करा, पता ही नहीं।
अच्छा अम्मा, आप सीमापुरी में रहती हैं, आपका जो है डीएम ऑफिस पड़ेगा वहाँ पे, आप जाइए वहाँ पे और अपना पहले तो फॉर्म भरिए जिससे आपको जो है बुढ़ापे की पेंशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। नन्न नगरी में पड़ता है वो, आप पहचान पत्र जो वो मांगेंगे पहले आप जाइए वहाँ पे, अपना पहले वहाँ पे पूरा बताइए कि मैं इतने साल की हूँ, तो देख के पता चल जाएगा आपके कागज, फिर आप भरिए, आपको पेंशन मिलेगी अम्मा। आप लोग इतने बुढ़ापे में ये काम कर रही है, मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। देखिए जरा, ये है हमारी दिल्ली सरकार और ये है हमारी भारत की सरकार कि बुढ़ापे में जो है लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। देख लीजिए आप हालात, देख लो। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप बीमार हो जाते हैं अंकल, अभी मैं आपके पैरों को देख रही हूँ, बहुत ज्यादा सूजन है, देखिए इनके पैरों में पैर जल गया है। ओह माय गॉड, देखिए जरा इनका पैर भी जल चुका है और तभी भी ये ऐसी हालात में जिसे इन्हें आराम करना चाहिए तो ये काम कर रहे हैं। देखिए ये है हालात दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों की, आप तस्वीरों में मैं आपको साफ दिखा दूँ तो आप लोग इतनी मतलब इतनी तकलीफ में भी ये काम कर रहे हैं, खाली किस लिए कि दो रोटी आपको नसीब हो सके, बस इसीलिए रोजगार के लिए तो करना ही पड़ता है। देखिए सरकार का और गवर्नमेंट का पूरा दायित्व होता है कि बुजुर्गों के लिए पेट भर खाना, उनकी जो भी सुविधाएं होती हैं उन्हें मुहैया कराई जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। ये देख लीजिए इनके जले हुए पैर होने के कारण भी ये काम कर रहे हैं ताकि इन्हें दो वक्त की रोटी मिले। अच्छा किसी किसी दिन जब काम ही नहीं होता तो फिर कैसे खर्चा चलता है? नहीं देखे किसी से आप आस पड़ोस वाले से करके चलाते हैं। किराए पे रहते हैं आप लोग? सीमा नहीं, मकान तो घर अपना है। क्या नाम, क्या अंकल आपका? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद। और आंटी आप, आपका क्या नाम है? रानी है? रानी रानी।